ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट्स मूवमेंट, सो डोंट सी एनीथिंग एज डिस्ट्रैक्शन और ऑब्स्टिकल। ध्यान अपने भीतर सब कुछ को समाहित करता है, इसलिए किसी भी चीज़ को बाधा या भटकाव की तरह नहीं देखना है। ध्यान कोई अलग थलग क्रिया तो होती नहीं है। सूत्र कहता है कि ध्यान सब कुछ को अपने भीतर समाहित कर लेता है, यानी कि वो सब कुछ जो है उसका उपयोग करता है। इसीलिए वो कहता है सूत्र कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्टिकल की तरह, भटकाव की तरह या बाधा की तरह नहीं देखना है। आम तौर से किसी भी साधक को ऐसी ही धारणा पकड़ी रहती है कि हमारे लिए ये बाधा है, हमारे लिए ये चीज़ रुकावट बन रही है, ये चीज़ हमको भटका रही है, और फिर वो ध्यान में पूरी तरह अपने आप को ठीक से नहीं ले जा पाता। ध्यान की घटना ठीक से घटे इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये देख पाए कि जिसको वो बाधा समझ रहा है सचमुच में वो बाधा नहीं है, और जिसको वो भटकाव समझ रहा है वो भी भटकाव नहीं। वो हमारा इंटरप्रिटेशन है, हमारी व्याख्या है। जो है उसके प्रति हमारी जो व्याख्या है उसके कारण ही हमको ऐसा लगता है। और एक बात बस ये अगर समझी जाए कि जो इस समय है वो पूरे अस्तित्व की प्रक्रिया के कारण ही घटा है, अस्तित्व की योजना के कारण घटा है। अगर पूरा अस्तित्व नहीं चाहता, समग्रता नहीं चाहती, तो इस क्षण ऐसा नहीं होता। जिस समग्रता ने, जिस टोटलिटी ने, जिस अस्तित्व ने तुम्हें ध्यान की प्रेरणा दी है, उसी ने किसी परिस्थिति का निर्माण किया है, उसी ने तुम्हारे तरफ कोई व्यवस्था है उसको निर्मित किया है। तो ठीक अर्थों में अगर देखा जाए तो वो सहयोगी ही होंगी, बाधा नहीं। हम चूंकि उनको देख रहे हैं बाधा की तरह, इसलिए वो हमको बाधा की तरह दिखाई दे रही हैं। चूंकि हम देख रहे हैं उनको एक भटकाव की तरह, इसीलिए वो हमको भटकाव की तरह नजर आ रही हैं। मान लो तुम घर में बैठे हो ध्यान में, अपनी शांति में, मौन में, तुम्हारे घर अचानक डोरबेल बजती है, कोई आता है, तो आम तौर से तो तुमको यही लगेगा कि ये ध्यान में बाधा हो गई, तुम नहीं बैठ पाए। लेकिन अगर दृष्टिकोण बदलें और उसको भी एक सहयोगी घटना की तरह लें, हो सकता है ये डोरबेल का बजना, किसी का आना तुम्हें ध्यान में और गहरे ले जाने में सहायक हो जाए, कोई नहीं जानता। कभी अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जो तुम्हारे अंतर्मन को किसी और दिशा में बहा के ले जा रही है, तुम्हें लगेगा तुम भटक रहे हो, भटकाव घट रहा है, तो बह जाओ उस परिस्थिति के साथ, देखो वो कहाँ ले जा रही है। हो सकता है वो बहाव जो तुम्हारे अंतर्मन में घटा है, वो बहाव ही तुमको ठीक दिशा में ले जाए और ध्यान की जो धारा तुम्हारे भीतर बह रही है उसको और सहजता और गहराई दे दे। अस्तित्व इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में ठीक ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। ध्यान भी उस रहस्य का ही एक मैनिफेस्टेशन है। इसलिए ध्यान के बारे में जब भी हम कोई बात सोचें तो हमेशा ध्यान रखें उसको बाधा भटकाव की तरह ना देखें, उसको डिस्ट्रैक्शन ऑब्स्टिकल की तरह ना देखें, उसको सहयोगी की तरह देखें, उसको एक ऐसी व्यवस्था या घटना की तरह देखें कि इसको इस समय ऐसे ही होना था, क्योंकि पूरा अस्तित्व इस समय ऐसा ही चाहता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो एक अलग किस्म की जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार की दशा है, वो पैदा होगी और ध्यान बड़ा ही स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान में कोई भी बाधा नहीं होगी और तुम निरंतर ध्यान में बने रह पाओगे, ये भी इससे घटेगा।